Hello, good morning all students of you. Good morning all of you students. ये क्लास 8 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आपका टॉपिक है एक्स एक्सपोनेंट्स पार्ट्स पावर्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर आर नंबर आपका 1 है। देखिए इस एक्सपोनेंट पावर में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से एक्सपोनेंट पावर होती है और इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इसे देखिएगा। यह आपका एक्सपोनेंट्स है, देखिए एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स होता है हेल्पिंग हेल्प राइटिंग। जो एक्सपोनेंट है वो हेल्प करता है इसमें राइटिंग में। द लास्ट नंबर क्या होता है वो लास्ट करता, लास्ट नंबर इन ए सॉर्टर इन ए सॉर्टर। और जो सॉर्टर होता है From which we can, from which we can read understanding, read understanding और उसको हम समझते हैं पढ़ करके एंड कंप्लीट एंड कंपेयर एंड क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं कंपेयर एंड कंपेयर ही आपका एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है आपका एक्सपोनेंट होता है, क्या होता है एक्सपोनेंट्स हेल्प राइटिंग द लार्ज नंबर, कितना भी नंबर नंबर बड़ा हो इन ए शॉर्टर उसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसे फाइंड कर सकते हैं और चाहे वो लार्ज नंबर क्यों ना हो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं विच वी कैन रीड उस विच वी को पढ़ करके अंडरस्टैंडिंग और उसको समझ सकते हैं एंड कंपेयर इजीली और इसकी हम तुलना कर सकते हैं। ये आपका एक्सपोनेंट होता है। फोर बाय एग्जांपल देखिएगा। फोर बाय एग्जांपल कैन बी रिटन, मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है और इसको हम ये दिया है हमें कैन बी रिटन, इसे को किस प्रकार नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख दिया है, कितना दिया हमें 10 लाख दिया है। ये जब 10 लाख दिया है जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakhs तो 10 lakhs दिया है। अब इसको हम इस एज किस का नोट कर सकते हैं, देखो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 इसे नोट कर सकते हैं 10 की पावर 6।
ये शॉर्ट फॉर्म में मैं फाइंड कर लिया एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट को क्या कर लिया हमने, ये शॉर्ट फॉर्म में ये लार्ज नंबर था, 10 लार्ज था, इसको रिटन है, दिस इज राइटिंग 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर 6 में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको रिटन कर सकते हैं, इसी प्रकार से वो एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ओके, जैसे हम अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसके फॉर्मूले हैं उसको नोट कराएंगे आपको और इसको क्वेश्चन पर सॉल्व कराएंगे। मल्टीप्लाई नंबर देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई नंबर जो मल्टीप्लाई नंबर होता है वो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, उसके लिए आज आपको सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आपको उसके लिए हम फॉर्मूला बताएंगे वो क्या होगा। देखिए जब एक्स की पावर ए हो, क्या हो, एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स की पावर बी से, जब x की पावर a हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो x पावर b से, सो दैट इज कंप्लाइज क्या होगा, x की पावर a प्लस b, ये आपको सो होल करके आ जाएगा x की पावर a प्लस b, क्यों हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर इज नेम्ड पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जब दो पॉजिटिव इंटीजरों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इनकी पावर ऐड हो जाती है, a प्लस b x इक्वल टू x पावर a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला है और इससे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल नोट करते हैं, x की पावर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 इंप्लाइज, देखिए यहां x x की पावर कितनी है, 2 है, और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x की पावर a से कंपेयर कीजिए, ये 6 की पावर 3 को x की पावर b से कंपेयर कीजिए, क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस b, जो हो जाएगा x हो गया 6, 6 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 5, ये आपका शॉर्ट फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा मेथड होता है, ये एक्सपोनेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में यूज किस प्रकार किया जाता है, दिस इज फॉर्मूले से इसको हम नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल होगा आपका, ये देखिए सेकंड एग्जांपल है क्या है, 2 by 3 इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 इसकी पावर है 3 इसकी पावर है 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये क्या होगा आपका, x है ये x है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 x की पावर 3, यही तो फॉर्मूला है भैया, x की पावर कितनी है हमारे पास है 2 by 3 की पावर, इसकी पावर 2 है क्योंकि यहां x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 by 3 की पावर 5 हो जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा, यही आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट्स कहलाएगा। ओके, दैट इज क्लियर, यही हमारा आंसर कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट, उसमें डिवाइड करते हैं नेक्स्ट, इसको सूप फॉर्मूले को यूज कराएंगे। देखिए भैया Thank you.
देखिए अब होगा आपका सेकंड फॉर्मूला होगा डिवाइडिंग, क्या होगा डिवाइडिंग, डिवाइडिंग रूल्स होगा, डिवाइडिंग नंबर। ये आपका डिवाइडिंग नंबर क्या है, डिवाइडिंग नंबर्स क्या कहलाएगा? देखिए इफ एक्स इज नॉन जीरो, इसमें फॉर्मूला है हमारा कि एक्स की पावर ए, इसकी एक्स की पावर कितनी है इसमें, एक्स की पावर ए डिवाइड डिवाइड बाई साइन होगा, एक्स की पावर ए डिवाइड बाई साइन, और एक्स की पावर बी क्या होगा, एक्स की पावर बी, जब भी ये वाला साइन आएगा, जब भी ये वाला साइन आएगा कि एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, क्योंकि एक्स भैया जब भी एक्स की पावर ए हो और एक्स की पावर डिवाइड बाई एक्स की पावर बी हो, एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी, ये बस फॉर्मूला हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी कहलाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ये लॉ के नंबर टू कहलाएगा, इफ इज, इसको कहेंगे इफ इज, इफ 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 इज एक्स, इफ एक्स इज, इफ एक्स इज नॉन जीरो, क्या कहलाएगा ये, नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर, क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, एंड ए एंड ए एंड बी, एंड ए एंड बी, ये आपका रैशनल नंबर कहलाएंगे, जीरो नॉन जीरो नंबर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, कैसे हैं पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, देन देन क्या फॉर्मूला है, एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी, इसको ये रूल, इसको रूल्स नंबर वन कह सकते हैं, या इसका टू नाम है, वो फर्स्ट बार रूल था, ये सेकंड रूल है, इफ एक्स इज नॉन जीरो, एक्स कोई जीरो नहीं होगा, रैशनल नंबर, एंड क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, एंड ए एंड बी, ये ए एंड बी क्या होंगे, आर पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और जब ये फॉर्मूला होगा एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी, बाय एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 3/7 पावर बाय 6 डिवाइड बाय 3/7, इसकी डिवाइड है कितने से है, 3 से, 3 से है, ये देखिएगा, ये आपका ए पार्ट्स, ये एक्स पावर ए बोला डिवाइड बाय बी का मान कितना, एक्स पावर बी, जब इसे हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स अर्थात 3/7 और ए की वैल्यू कितनी है, ये है 6 और बी की वैल्यू है 3, ये बन जाएगा आपका इम्प्लाइज 3/7 की पावर 3, दैट इज आंसर, यही आपका आंसर कहलाएगा, यही आपका डिवाइडिंग नंबर्स होगा, ये डिवाइडिंग मेथड कहलाएगा, ये आपका लॉ नंबर सेकंड है, ओके।
जो लंबा थर्ड देगी क्या है रूलम मेथड है एफ इज ए इफ एक्स इज रेशनल नंबर रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये किस प्रकार होगा पॉजिटिव इंटीजर देगी फॉर्मूला एक्स की पावर माइनस ए जब भी आपको एक्स की पावर माइनस ए दे दिया जाए तो ये सॉल्व करें हो जाए वन अपॉन एक्स की पावर ए आपका रूल्स नंबर थर्ड कहलाएगा क्वेश्चन देख लीजिए और एग्जाम नंबर एग्जाम्पल क्या है माइनस माइनस दो बटे तीन पावर माइनस हो जाएगा वन रूम माइनस टू बाई थ्री पावर फोर मिलेगा और ये सॉल्व कर टू बाई थ्री ये हो जाएगा आपका ओके यही हमें सॉल्व करना था और हमने सॉल्व कर लिया और इसको पावर में चेंज कर दिया यहीं तक ये पावर में सॉल्व हो जाएगा या यहाँ कर दीजिए आपका यहाँ भी रूल्स कर आएगा और यहाँ भी सॉल्व कर आएगा ओके दैट इज क्लियर थैंक यू धन्यवाद